सबसे ज़्यादा महंगाई हमारे पास है और सबसे कम जीडीपी ग्रोथ हमारे पास है। बिल्कुल सो ये हम बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, अपनी पॉलिसी रिवाइव करें, बट आई कैन अश्योर यू कि अगली इलेक्शन जब भी हो, 6 महीने में हो, साल में हो, 1.5 साल में हो, जो भी पार्टी आएगी, दे विल हैव टू रिव्यू द इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड दिस कंट्री हैज़ सो डोंट यू थिंक दैट द सेम पार्टी विल कम इनटू पावर अगेन? आई पर्सनली थिंक अ लॉट ऑफ पीपल से दैट, क्योंकि सर अब उनके साथ सब मिल गए हैं ना। इट्स अ पॉसिबिलिटी, आई डोंट थिंक इट्स अ प्रोबेबिलिटी। पाकिस्तान में इनकम्बेंसी की जो जो नुकसान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वो उसी वक्त पता चलता है जब आप पोल्स में जाएं। कहने को बहुत होते हैं जी वो भी मिल गया, ये भी मिल गया। आवाम में इस वक्त जो आपने कहा महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, बिजली की कीमतें पड़ी, गैस की कीमतें पड़ी, आगे पीछे आवाम में इस वक्त बहुत ज़्यादा नफरत है पॉलिटिशियंस इन जनरल और स्पेशली इस हुकूमत का। सो जिस आदमी ने इस हुकूमत का साथ दिया है या ये हुकूमत के लोग हैं, आप देखें कि पोल्स में हालत क्या होती है। आप जो मर्जी कार्ड इस्तेमाल कर लें, आप सिंध कार्ड इस्तेमाल कर लें, आप जो मर्जी कर लेंगे, आई डू नॉट थिंक द इनकम्बेंट्स विल बी एबल टू कम बैक इनटू पावर। You really don't think that that's I, possible? I do not think In spite so. of the fact कि इतनी alliances बन रही हैं और सब कुछ। तो अब आप आगे का पाकिस्तान कैसे देख रहे हैं? How do you see the next 2 years? क्योंकि अब 2 years तो छोड़ें, अगले 6 महीने में क्या आप देख रहे हैं? I think जो आपने बात की कि alliances बन रहे हैं, उस पे उनकी current जो term है, उसको ascertain कर रहे हैं। I think उसको secure किया है इन्होंने। And it's quite possible that they may last for the whole term, which is not that bad for Pakistan except for the economy, because agar jamhooriyat chalegi aur apni apni term complete karegi, but you never know in Pakistan, abhi itna bada incident hua, I don't know how they're going to get out of that. Because of the free press and because of an independent judiciary, especially in the higher courts, and because of a vibrant opposition now. So which vibrant? Yeah, yeah. Through the, don't you hear them on the talk shows and talking and all that? But I'll come to that. Let's talk about that also. I think Pakistan does not have a bleak future. I personally think it's a matter of getting a right leader at the right time, and this country can turn around. Don't forget, just 5 years ago, this country was going at a GDP growth rate of 9%. सही, बिल्कुल. Poverty को 34% से नीचे लेके 22% पे छोड़ के गए थे। हमारे पास $17 billion इन डॉलर टर्म्स ऑफ 2007 छोड़ के गए थे विदाउट IMF मनी। हमने 2002 में IMF को बाहर निकाल दिया सही था। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। सारा कुछ हम करके गए थे। 6.5 billion की FDI भी आ रही थी डॉलर की। 6.5 billion की FDI भी आई थी, और बाहर जाके हम रेस करना चाहते थे तो हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन होती थी। सारा कुछ था। तो उस वक्त भी पाकिस्तान के ऊपर लेबल डिक्टेटर का लगा हुआ था, फिर भी सारा कुछ हो रहा था। इस मुल्क में बड़ी पोटेंशियल है, बड़ी वाइब्रेंसी है, लेट मी टेल यू दैट। सो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लोगों ने बड़ी मार खाई है, कुछ लोगों में अवेयरनेस भी आई है, और मेरा नहीं ख्याल कि लोग टिपिकल ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस को इससे वोट देंगे। स्पेशली शहरों में आप देखेंगे बड़ा डिफरेंट ट्रेंड आएगा, जहाँ भी ये जो थर्ड फोर्स की बात करते हैं ना, जहाँ भी एक ऑल्टरनेट इनको नजर आया और करप्ट ना हुआ आदमी, उधर वोट पड़ जाएगा। आगे बात वाइब्रेंट अपोजिशन की, देखिए बहुत लोग कहते हैं, मैं भी अपोजिशन में हूँ, बहुत लोग कहते हैं जनाब ये फ्रेंडली अपोजिशन थी, ये थी, वो थी, फलानी। देखिए हमने ये सीखा था अपोजिशन में, बाय एंड लार्ज सारे लोग जो बैठे हुए थे, कि हमने ऐसी अपोजिशन नहीं करनी जिसमें गवर्नमेंट को गिराने वाली अपोजिशन हो, हमने इश्यूज के ऊपर करनी है। एंड लेट मी टेल यू, बड़ी जितनी इस गवर्नमेंट ने गालियाँ खाई हैं पॉलिटिशियन से इन द मीडिया, मेरा ख्याल कोई गवर्नमेंट नहीं खाई। प्रेसिडेंट जिस तरह डिसग्रेस होता है, किस कंट्री में होता है, जो भी शो देख लो। सो समथिंग गुड हैपनिंग टू दिस कंट्री। ऑपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि हम अभी भी लोग लड़ते हैं, लोग लड़े पॉलिटिशियन तो कहते हैं देखे लड़ते हैं। वी आर लर्निंग एंड दिस इज द एवोल्यूशनरी प्रोसेस दैट वी आर गोइंग थ्रू, एंड समथिंग गुड विल कम आउट ऑफ इट, लेट मी टेल यू। और मैं ये भी कहता हूँ कि डूम एंड ग्लूम इतना नहीं है। ओसामा बिन लादेन का जो अफेयर हो गया है, जो डिबेट शुरू हुई है ना कंट्री में, दैट्स अ गुड साइन कि एक चीज जो थी तभी तभी नहीं, ये बात नहीं कर सकते बस। सर डिबेट तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या समथिंग विल गुड कम आउट ऑफ। आई सिट इन द सेनेट एंड आई हियर द डिबेट्स एंड आई टेल यू समथिंग गुड विल कम व्हेनेवर यू डिबेट एन इशू, समथिंग गुड कम्स आउट ऑफ दैट। लेकिन ये जो डिबेट हो रही है, क्या आपके ख्याल में ऐसा नहीं है कि डिबेट का डायरेक्शन जो है उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए इस डिबेट को? वी आर टू फिक्सेटेड ऑन कि वो जी हमारी सॉवरेंटी जो थी वो वायलेट हो गई, वो आ गए, उन्होंने यहाँ मार दिया, वो यहाँ से चले गए। डोंट यू थिंक दैट इस डिबेट को थोड़ा सा हमें चेंज करना चाहिए, क्योंकि सॉवरेंटी तो हमारी 63 odd years से वो वायलेट हो रही है। ठीक है, लेट मी
क्या हम करें, हमें ये पता नहीं कि ओसामा बिन लादिन में आया क्यों था, हमें ये पता नहीं कि हमारी पॉलिसी क्या थी, हमें ये पता नहीं कि ड्रोन हम मिलके करते हैं या नहीं करते, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम डिबेट करेंगे ना, अभी तो हम सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन करेंगे कि नेट रिजल्ट क्या हुआ, कि सॉवरेंटी इफेक्ट हुई है और दुनिया में बदनामी हुई है और ओसामा बिन लादिन यहाँ मिला है। पहले तो इन सब दुनिया में बदनामी तो इसलिए नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई कि वो यहाँ पे अटैक हुआ, दुनिया में बदनामी तो इसलिए हो रही है ना कि ओसामा बिन लादिन यहाँ मिला। तो आपने कहा कि हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली फैक्ट्स क्या है। देखिए सर, ड्रोन्स अगर हम विकीलीक्स पे सिर्फ चले जाएँ, जो उसके डिस्क्लोजर्स हुए हैं उसमें तो यही है ना कि हमारी गवर्नमेंट ने ये कह दिया, प्राइम मिनिस्टर कह कि आप लोग करते रहें, हम लोग शोर करेंगे, बस दैट्स हाउ इट इज़। क्या अभी आपने जो सवालात उठाए कि क्यों हमारी बदनामी हो रही है दुनिया में, वो यहाँ क्यों था, क्या कर रहा था, 6 साल से 7 साल से 8 साल से था, 8 साल पहले हरिपुर में था, 3 बीवियाँ थी 9 बच्चे थे, व्हाट वाज गोइंग ऑन हियर, ऐसा तो नहीं है कि यू कैन डू दीज थिंग्स इन वन कंपाउंड, कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन दुनिया के साथ आपको रखना पड़ेगा। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही तो क्या आप लोगों की डिबेट जो है वो इस तरफ नहीं आनी चाहिए, वो तो फैक्ट हो गया ना, और वो आ गए, कर दिया, चले गए। आपने कहा कि जी अगली दफ़ा होगा तो हम जवाब देंगे, उन्होंने कहा अगली दफ़ा भी होगा, खत्म हो गई ना बात। पर तो शुडंट यू बी नाउ फोकसिंग ऑन द अदर साइड नाउ, दूसरे एंड पे, कि वो यहाँ क्यों था। फॉरेन सेक्रेटरी ने जब अपनी स्टेटमेंट दी थी इस इवेंट के बाद, उन्होंने कहा कि जी हमने वो खालिद शेख मोहम्मद को भी दे दिया, एक्स वो टिप्पी को भी दे दिया, लिब्बी को भी दे दिया, एक्स वाई जी को भी हमने दे दिया, और सारी जगहें उन्होंने जो बताई थी, कोई मर्दान था तो कोई यहीं एबटाबाद था, कोई यहीं था, सो दे वर ऑल द लोकेशंस वर इन पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान में ऐसी अट्रैक्शन है, इट कांट बी द माउंटेन, जो हम टूरिज्म के लिए कहते हैं कि जी विजिट पाकिस्तान ही है, ये तो विजिट। कनाडा में अगर वॉर हो रही होती और अमेरिका कनाडा को बॉम्ब कर देता और वहाँ टेररिस्ट होते तो उन्होंने कहाँ जाना था, दरिया में छलांग लगाई थी, वो भी अमेरिका में आते ना। अगर आपने अफगानिस्तान में बॉम्ब कर दिया तो उन्होंने कहाँ आना, पोरस बॉर्डर था, पोरस बॉर्डर, तो सारे ये टेररिस्ट जो थे पहले अफगानिस्तान में थे, वहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, जितने भी स्प्लिंटर ग्रुप बने हुए हैं, दे आर ऑफशूट्स ऑफ द मेन ग्रुप, जो यमन में भी थे, सोमालिया में भी थे, वो भी तो पाकिस्तान को पहाड़ों में लड़ रहे थे ना, जंग लड़ रहे थे, अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे ना, अमेरिका के खिलाफ, बेसिकली ये अमेरिका के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। और मैं ये नहीं कहता कि ये बड़ा अच्छा कर रहे थे, बहुत गलत कर रहे थे, बट अमेरिका की वजह से हमने ये लड़ाई ली है ना, ये लड़ाई तो अमेरिका की वजह से ली है, 9/11 से पहले कितना कुछ हमारे हो रहे थे, क्या कुछ हो रहा था। अच्छा सर, अगर हम ये लड़ाई नहीं लेते, आपने खुद कहा कि बॉर्डर जो है हमारा बहुत पोरस है, लोग आते जाते रहते हैं, तो वो तो वैसे भी आना था उन्होंने, अगर हम कहते हैं अमेरिका से वी आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व विद दिस, तो इन लोगों ने तो यहाँ पे आना था ना, और यही करना था फिर जो किया। नहीं, नहीं देखिए, आपने जब पूरी ये एक यूएस की पॉलिसी है, मैं यूएस पॉलिसी क्यों नहीं बता रहा हूं, पॉलिसी ये है कि अपने मेनलैंड से इस वॉर को खींचो, एक उन्होंने इराक सेंटर बना लिया, एक इधर दुनिया के टेररिस्ट को यहाँ इकट्ठा कर लो, हमारे से 10,000 मील दूर है, और इनको बॉम्ब करके मार दो, और जो उनके बेचारे नेबर्स हैं उनका ख्याल ना करो, उनको भी धक्का दे के उनको कहो कि जी यू आर यू विद अस और यू नॉट विद अस। देखें, दे हैव टू चेंज देयर पॉलिसी ऑल्सो, व्हाट आई एम सेइंग इज इफ दे आर आवर ट्रस्टेड एलाय देन दे हैव to keep in mind that they are in this war not just to protect their own interest but also to protect their allies interest. Hamara interest kya hai, ab hamara interest ye hai ki ek side pe inhone to sirf war ladni hoti hai na, marna ye wo inka sabse bada nuksan ye hota hai ki body bag jab wahan jata hai to wahan shor gol mach jata hai, theek hai, aur wo unko election mein hit karta hai. Hamara kya nuksan hota hai jab ye attack karte hain, log marte hain, civilian marte hain, to wrath of the people, we have to face that na. So they cannot close their eyes to that. This country is now against, basically mentally, not against the American people, but against this American state, unfortunately. Why? Because they think ke ye sari jo mushkilein